हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आपने अपनी स्टडीज फॉर दिसंबर अटेम्प्ट स्टार्ट कर दी है। तो भाई देखो, अब जो है आपको सीरियस होना है, ठीक है? आपने अगर जून में भी एग्जाम्स दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने जून में भी एग्जाम्स दिए हैं तो उनके लिए भी काफी गैप हो गया है। तो नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस, ठीक है? और अपने जो दिसंबर अटेम्प्ट है आपका, उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सीरियस नोट पे, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी, पूरा आपका प्लानिंग होगी कि आपको किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी टिप्स जो आप अगर स्टार्टिंग में ही फॉलो करोगे ना तो बहुत हेल्प करेगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जिस पोजिशन पे खड़े हैं, ठीक है, वो क्या है? यहां से हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें आपका टोटल जो टाइम है वो है 5 months एंड 20 days, ठीक है? I am taking the count from month of July. तो July, August, September, October, November, ये पूरे 5 months and 20 days of your December, ठीक है? Got it? तो हमें अपना जो mindset रखना है वो वैसे ही रखना है। Now, अब जो बहुत common question आता है मेरे पास बच्चों का कि मैम हम कितने revisions करें, कितने revisions हमारे sufficient हैं for you know CS exams? क्योंकि किसी चीज की planning तो पहले से की नहीं जाती, और जो बच्चे स्पेशली जो बिल्कुल रॉ हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता। उनके सामने तो बस ये है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो हम कैसे करें, वो हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है? तो डू नॉट वरी, इस वीडियो में आपके सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आपको जो जरूरी है कितने रिविजन्स, वो है टोटल आपके 3 रिविजन, फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन, सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन एंड योर थर्ड राउंड ऑफ रिविजन, ठीक है? आपको टोटल कितने रिविजन चाहिए? 3 रिविजन्स चाहिए, रिविजन, ठीक है? ध्यान से सुनना बहुत। अब सबसे पहले रिवीजन में हमें करना क्या है? देखो, सबसे पहले रिवीजन में एक्चुअली क्या होता है, आपकी क्लासेस भी इंक्लूड होती हैं, राइट? अब क्लासेस इंक्लूड होती हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पढ़ें, तो इसमें हमें बहुत लाइट रखना है। और कितना टाइम चाहिए आपको फर्स्ट रिविजन का, कितना टाइम लगाना है आपको हर एक रिविजन में, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, इन राउंड ऑफ फर्स्ट रिविजन आपको गैदर करना है, समराइज करना है अपना स्टडी मटेरियल। मैम वो क्या, हमें तो एक बुक से पढ़ना है जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है, हमें बस वही करना है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको तैयार रखनी है, ठीक है? क्योंकि जब तक देखो हमारा सब्जेक्ट मटेरियल हमारे पास सॉर्टेड नहीं होगा ना, हम कभी भी एक लिंक नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू अरेंज योर कवर्ड लाइक दिस। कैसे आपको अरेंज करनी है, अपनी जो आपकी बुक शेल्फ है वो आपको सब्जेक्ट वाइज अरेंज करनी है। अरेंज योर बुक शेल्फ और योर बुक्स अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। लाइक मैम कैसे, वो आप बता दो। देखो, अगर हम कंपनी लॉ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो कंपनी लॉ में बेसिकली क्या है, कंपनी लॉ में आपकी एक मेन बुक है जो आप किसी का टीचर से ले रहे हो, तो ठीक है? बाय द वे, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 5th of July, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर टीचर की आपकी बुक, ठीक है? सेकेंड एक हो गई आपकी बुक, एक हो गई आपकी प्रैक्टिस बुक, इफ एनी, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है? उसको हम स्कैनर्स भी कह सकते हैं, ठीक है? फिर आपके कुछ अमेंडमेंट्स के नोट्स होंगे जो आपकी बुक में इनकॉर्पोरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? देन कुछ लूज शीट्स होती हैं, एक्चुअली जो हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं या हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, या अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो फॉर्मूला बुक होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कौन सी बुक्स रेफर करनी है और कितनी बुक्स रेफर करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप पूरा एक सब्जेक्ट कंपनी लॉ का आपका स्टैक बन जाएगा, जहां पे आपको सारे रिलेवेंट टू कंपनी लॉ बुक्स एक जगह स्टैक करके रखनी है। उससे होता क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपने ये डिसाइड करा कि मुझे कंपनी लॉ पढ़ना है, आप वो स्टैक उठाओगे और अपने पास रख दोगे अपने वर्क प्लेस पे, अपने टेबल पे, और स्टार्ट गुड टू गो, ठीक है? तो इस तरीके से हमें रखना है, ये बहुत टाइम भी बचाती है और क्योस भी खत्म करती है, बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो भी मटेरियल हमारा एक साइड सॉर्टेड है, ठीक है? नाउ अब मेक सेपरेट फोल्डर्स। जब आप कर रहे हो, फोल्डर से मतलब मेरा स्टैक्स का ही है, ठीक है? कि जो आप कर रहे हो वो आप एक तरीके से स्टैक करके चीजों को रख दो, ठीक है? 70% सिलेबस जो है आपका हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग योर क्लासेस, ठीक है? ये खत्म हो जानी चाहिए आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन में, ठीक है? नाउ वॉट इन सेकेंड रिविजन, पिक दी टॉपिक्स इन विच यू नीड मोर प्रैक्टिस। अब हम जब एक बार एक राउंड कर चुके हैं रिविजन का, तो हमें ये तो अच्छे से पता चल जाएगा ना कि क्या चीज हमें एक बार में समझ में आ रही है, क्या चीज हमें एक बार में समझ में नहीं आई है। तो हमें वो चीजें सेग्रीगेट करनी है, ठीक है? और उसको और प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है?
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो एक या दो बार आपने क्या करा है, गो थ्रू करा है अपने पूरे रिवीजन, अपने पूरे सिलेबस को, राइट। नाउ थर्ड जो आपका राउंड होता है उसमें आपको फाइनल टेक देना है, मतलब उसमें आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो चुका है, अब यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात कर रही थी आपको, आपसे कि टाइम कितना देना है, फर्स्ट रिवीजन को हमें कितना टाइम देना है, तो देखो हमें फर्स्ट रिवीजन को टाइम देना है 2.5 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सॉर्ट भी करना है, हमें अपनी क्लासेस भी देखनी है, सब देखना है। तो अगर मैं बोलूं तो जुलाई अगस्त एंड मतलब मिड अगस्त तक आपकी सारी चीजें निबट जानी चाहिए, ठीक है। देन जो आपका 2 मंथ्स का होगा, मतलब अगर आपने मिड अगस्त पकड़ा तो मिड अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, यहाँ पे मिड अक्टूबर तक, यहाँ पे मिड अगस्त तक आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अक्टूबर तक क्या है, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपकी क्लासेस खत्म हो गई। नाउ जो भी रिमेनिंग टाइम है कितना, अप्रोक्स 1 मंथ तो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स वगैरह भी आते हैं, कॉन्क्रीट अगर आप मानो मेरे हिसाब से तो 1 मंथ ही निकलता है, बट जो बच्चा बिल्कुल 100% डेडिकेटेड है उसके पास 2 मंथ्स हैं, कैसे, आधा अक्टूबर, आधा दिसंबर और एक पूरा नवंबर, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमली और कितना टाइम किसने फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन को देना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप नोट भी कर सकते हो, वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये पूरी की पूरी जो है पीडीएफ वो मैं दे दूंगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। मैं लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ बच्चों को क्योंकि वो अपने अगर अपने हाथों से चीजें लिखते हैं ना, प्लानर वगैरह, तो ज्यादा याद रहता है, ज्यादा सही रहता है, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा क्या आता है कि मैम कौन सी बुक्स रेफर करें। ये देखो बेसिकली जो है ये जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ना उनका है, क्योंकि कुछ जॉब करते हैं साथ साथ में या इंटर्नशिप चलती है या कुछ वो और कर चुके हैं, उनको सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब ओवरऑल आई एम स्पीकिंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए है आईसीएसई का मॉड्यूल, ठीक है, वो तो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है यहाँ पे, इंडेक्स। और मैं इंडेक्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सारे टॉपिक्स, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसमें लिखे होते हैं। तो आपको क्या पता रहता है, आप कोई भी और अदर बुक रेफर कर रहे हो तो आपको ये पता है कि आपको ये टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं, ठीक है। नाउ बुक्स एज पर आईसीएसई मॉड्यूल ओनली, कोई किसी और की मत ले लेना। मैंने एक दो बच्चों को देखा है कि वो सोचते हैं कंपनी लॉ तो है तो सीए की बुक रेफर कर लेंगे, कि नहीं भाई सिलेबस अपना रखो आईसीएसई मॉड्यूल के हिसाब से, जो डेडिकेटली आईसीएस को डेडिकेटेड है वही बुक रेफर करो। सीए की बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें मटेरियल बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू, अलग मतलब है मेरा कि कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनका जो फोकस है वो प्रैक्टिकल है। सीएस कंपनी लॉ से देख ही पेपर, हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अमेंडमेंट्स इफ एनी, हर बार अमेंडमेंट्स आती हैं वो आपको आईसीएसई के उससे मिल जाएंगे, आईसीएसई वेबसाइट से मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो कुछ टाइम पहले ही आती है, लाइक 2 और 2.5 मंथ्स पहले, तो हर सब्जेक्ट डेडिकेटेड होती है, आप वो निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका आपको प्रिंट भी निकाल के रखना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिकॉज जो बुक रेफर कर रहे हो उसमें वो चीज अमेंडेड है या नहीं, ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ स्कैनर्स, स्कैनर्स क्या होते हैं, हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्कैनर लो या तो टैक्समैन का, या फिर जो बेस्ट है एवरग्रीन वो है सुचिता प्रकाशन, ये मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मैंने अपनी पूरी सीएस जर्नी में यही स्कैनर अपना फॉलो किया, ठीक है। अब यहां पर हमने दो चीजें कवर कर ली, इसके बाद सीएस की टाइम लेफ्ट, नंबर ऑफ रिविजन्स, किस रिविजन को कितना टाइम देना है, एंड सेकंड कौन सी मॉड्यूल रेफर, कौन सी बुक्स रेफर करनी है आपको, ठीक है। नाउ कुछ अदर क्वेश्चन, कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए एक प्लान, ठीक है। देखो बिना प्लान के ना आप जहां भी हो वहां से लंदन में नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी डेली लाइफ में कि अगर आपको ए से बी प्लेस भी जाना है तो यू नीड अ प्लान। पहले फ्लाइट्स बुक करोगे, वीजा लगवाओगे, लंदन जाना है तो ऐसे तो कोई काम नहीं हो जाएगा ना। तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि ए पॉइंट है और आपको अपना जो मिशन है, जो टारगेट है दिसंबर 23 का वो अचीव करना है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। अब मस्ती छोड़ के जितना अभी से जितना सीरियस हो जाओगे उतना अच्छा होगा, राइट। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, तो प्लान अकॉर्डिंगली। देखो मैंने कभी कभी क्या देखा है, बच्चे ना स्टार्टिंग में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि नहीं मैं 4 चैप्टर कर लूंगा एक दिन में,
मैं 5 चैप्टर कर लूंगा एक दिन में, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। मैंने ये जो लिखा है बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी सो प्लान अकॉर्डिंगली, वो इसलिए लिखा है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तो आपको डेली जो टारगेट्स आप सेट करना चाहते हो अपने लिए, वो भी ऐसे रखना जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो पाए। लाइक अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर ही कर पाते हो दिन में, तो स्टार्टिंग में 2 चैप्टर ही रखो, ठीक है। और बहुत बच्चों को दिक्कत होती है प्लानिंग में कि मैम प्लान कैसे करें, और उनको मेंटरशिप होता है, तो आप मेरे मेंटरशिप जो कोर्स है उसमें भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग 2 डेज अर्लियर टारगेट्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मंडे का आज क्या है हमारा, आज हमारा वेडनेसडे को हम अपना टारगेट कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि जो हमारा मंडे का था ना टारगेट, वो भी हम एक बार रिवाइज कर लें। बस आंखों से ऐसे पलट के भी देख लेंगे ना, मतलब पेज पलट के भी देख लेंगे ना, तो हमें काफी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ताकि जो आपका मोमेंटम है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक टाइप के चैप्टर्स कर रहे होते हैं, लाइक डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकता, वो चलेगा एटलीस्ट 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो हम पहले का भी रिवाइज करते रहेंगे, तो हमें और आगे आसानी होगी, ठीक है। फिर आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये अभी हो सकती है, ये बाद में नहीं हो सकती, ये आप अभी स्टार्टिंग में अगर ये हैबिट बना लोगे तो बहुत सुखी रहोगे, ट्रस्ट में। मेक समरी कंसाइज नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। अब समरी नोट्स होते हैं बिल्कुल एक अलग समरी नोट्स, उसमें ऐसा नहीं होता कि सब कुछ छाप दो, ठीक है। तो ये कैसे बनाने हैं, यू हैव टू रेफर माई वीडियो, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, लिंक दे रखा होगा। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि आपको क्या पिक करना है, कैसे पिक करना है, ताकि आपके प्रॉपर समरी नोट्स बन सके। क्योंकि देखो ये समरी नोट्स अगर एक बार बन गए ना, बहुत सुखी रहोगे और आपको बहुत काम आएंगे, बहुत काम। अब आप एक खुद चीज सोचो, आपको जैसे पढ़ने का मन नहीं है, टेबल पर बैठने का मन नहीं है, टेबल पर बैठ के पढ़ने का मन नहीं है, आपने सोचा कि यार काश मतलब ऐसा होता कुछ कि मैं घूमते घूमते पढ़ लेता, तो ये समरी नोट्स वहीं काम आएंगे। समरी नोट्स लिए छोटा सा रजिस्टर बनाओगे, घूमते घूमते आराम से पढ़ सकते हो, इतनी बुक बड़ी लेके तो नहीं पढ़ सकते ना। तो ये समरी नोट्स आप अपनी हैंडराइटिंग में बनाओगे, अपने हिसाब से बनाओगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी, रिविजन भी आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। और मतलब बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ मॉड्यूल लेके बैठेंगे, उसी से पढ़ते रहते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। योर नोट्स, आपके नोट्स अपने हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए, चाहे आधे अधूरे कैसे भी हो। देन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का पता है बेसिक चीज क्या होती है, मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखो फाइनल एग्जाम तो जब दोगे तब दोगे 5-6 महीने बाद, ठीक है। जब आप अपने घर में एक बार करके देखो कि सारी चीजें हटा दो, जैसे एग्जाम हॉल में होता है वैसे एनवायरमेंट क्रिएट करो, क्वेश्चन पेपर लो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। ये तब करना जब पूरा सिलेबस हो चुका होगा, तो ये इसलिए मैंने लास्ट में डाला है कि जब वंस यू कंप्लीट योर 100% सिलेबस, यानी डैम श्योर कि हाँ आप तो चलो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, तब मॉक टेस्ट देने बैठो, ठीक है। बिल्कुल उसी एनवायरमेंट को क्रिएट करके और स्टेप बाय स्टेप वैसे करो। सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करो अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीएस क्लियर करनी है ना, और ज्यादा टाइम ना लगाते हुए क्लियर करनी है, तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, ठीक है, ये इंस्टाग्राम ये सब चीजें नहीं आई थी, सोशल मीडिया नेट फैसिलिटी थी, इंटरनेट था, बट ये इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं था। क्योंकि देखो आपको भी पता है, आप ही गलती नहीं है, आप एक रील देखने बैठोगे, आप स्क्रॉल करते 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 पता नहीं कितना टाइम गवा दोगे, और जब वो टाइम चला जाता है तो आपको पता है कभी वापस नहीं आता, और फिर रिग्रेट होता है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये फुल ऑन आपकी चीजें मैंने आपको बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि 5 जुलाई से आपकी कंपनी लॉ की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना अराउंड 50-55 क्लासेस में इसको पूरा समअप कर दें, ठीक है। 55 क्लासेस तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट उससे बहुत कम में हम अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको आगे रिवीजन के लिए प्लस जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम मिले, ठीक है। क्लासेस आपकी लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहेंगी, जो बैच में बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं, ठीक है, उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक फॉर्म मिलेगा, उसको वो फिल करेंगे एंड यू गुड टू गो, ठीक है। दूसरी चीज, लाइव के लिए अगर आप हो तो आप उसमें लाइव लिख देना, एंड अगर आप रिकॉर्डेड के लिए हो तो रिकॉर्डेड सॉरी चूज कर लेना, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और इस पे
जो रिकॉर्डेड है, जो लाइव है, वो भी मैं पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। बट अभी अगर आपने माइंड सेट कर लिया है दैट यू नीड कंपनी क्लास, कंपनी लॉ क्लासेस, तो जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 5th of July से, और ये जो बैच रहेगा ये आपका जूम पर रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग बैच होगा और आपका जूम पे रहेगा, ठीक है। चलो तो इतना ही, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मेल पे पूछ लो, और स्टार्ट कर दो बस अपनी पढ़ाई, ठीक है। बाय बाय।